आप लोग कई स्टूडेंट को देखे होंगे जो पढ़ते कम लिखते ज़्यादा हैं। कई स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जो बहुत मतलब उन लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पर एग्ज़ाम में रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं जैसे पूरे साल पढ़ाई की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते पूरा साल है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूरी पढ़ना नहीं है, ज़रूरी पढ़ाई के भाव में रहना है। जैसे अभी हम क्या है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग स्टडी की दुनिया में रहते हैं, ठीक है। जब तक किताबें हमारे साथ रहती हैं हम लोग पढ़ाई की दुनिया में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर निकलते हैं तो ओहो क्या गजब, हाय राम, यही सब। हम लोग समोसों की बात करते हैं, हम लोग तितलियों की बात करते हैं, पढ़ाई कहाँ है यार। तो अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बनना है तो याद रखिएगा आपको ऑलवेज पढ़ाई के मूड में रहना होगा, मूड ऑन ओनली एजुकेशन, ठीक है। जैसे मोबाइल वाइब्रेट मोड पर रख दिया जाए तो हमेशा वाइब्रेट मोड पर रहता है, वैसे हम लोगों को हमेशा पढ़ाई मोड पर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पढ़ाई मोड आपको जो है आईएएस पीसीएस या फिर जो आपका सपना होगा वहाँ तक पहुँचा देगी। अगर आप तितली मोड पर गए या फिर मतलब पकौड़े समोसे मोड पर गए, चाय निकड़ पर गए या फिर जोक्स पर गए, तो फिर आपके लिए उतनी ही समस्याएं क्रिएट होती हैं जितनी कि आप हंसते हैं। तो कुछ दिनों के लिए हंसना भूल जाइए और मुस्कुराते हुए पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।